हेलो फ्रेंड्स, AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इग्नू का एक बड़ा अपडेट है। इग्नू ने जुलाई 2021 एडमिशन सेशन के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट अपना सेकंड ईयर का और बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट अपना सेकंड और थर्ड ईयर का एडमिशन अभी कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट डेट 15 जून 2021 निर्धारित की गई है। पोर्टल अभी ओपन हो चुका है। कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इग्नू से जुड़े अपडेट्स और क्लासेस के जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि अपडेट्स आप लोगों तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो मिली है, ओपनिंग ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जुलाई 2021, ये इग्नू के द्वारा, ये इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली के द्वारा ये मैसेज दिया गया है। एज पर ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन इग्नू हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जुलाई 2021 साइकिल हैज बीन ओपन्ड टुडे ऑन स्मार्ट पोर्टल। आपको मैं ये दिखाऊंगा अभी अभी, लास्ट डेट 15 जून 2021 है। तो अभी मैं आपको ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ, आ चुका है वहाँ पर, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस लिंक पर आपको आना है। यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया फॉर्म होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स इस पोर्टल पे पहले रजिस्टर कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट लॉगिन करना है अपने आईडी एंड पासवर्ड से। और अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जैसे कि जो मास्टर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको तो अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इस पर। इसी तरह जो BA सेकेंड ईयर के हैं उनको भी, लेकिन जो BA फाइनल ईयर का भी कर रहे होंगे, उनका सेकेंड ईयर का उन्होंने समर्थ पोर्टल पे किया था, तो वहीं पासवर्ड से आप अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप MPS पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो MPS लिखिए, यहाँ पर सर्च बॉक्स में आ गया, सेलेक्ट कीजिए MPS, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑन आईडी कार्ड, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो इग्नू के आइडेंटिटी कार्ड या इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड आपका नेम है, वो यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है ये आपको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। और कुछ डिटेल्स मांगेगा और आईडी एंड पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। कुछ डिटेल्स और फिलअप करने के बाद आपका आईडी एंड पासवर्ड आपसे मांगेगा, आईडी पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके करने के बाद आपको लॉगिन करना है डायरेक्टली, और लॉगिन करके आप अपना फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ पे आपका बाद में अभी अपडेट होगा, इसमें अपडेट होने में 1-2 दिन भी लग जाते हैं, तो जल्दी ही अपडेट यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन अभी समर्थ पोर्टल, ये ऑनलाइन RR पोर्टल है, लेकिन जो इग्नू का समर्थ पोर्टल पे, उस पर अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई है। पहले जब आप यहाँ पर प्रोसीड करते थे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो यहाँ पर आ जाता था कि फॉर्म नॉट ओपन येट या लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ओवर। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है, और सबमिट भी मैंने करके देखा था। अभी किसी की पर्सनल डिटेल्स डिस्प्ले होती है, इसलिए मैं उसको आपके सामने नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी अभी एक काम कर रहा है, आप लोग अपना री रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी 15 जून 2021 निर्धारित की गई है। तो ये अपडेट था इग्नू के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अभी जैसे ही एग्जामिनेशन के बारे में डिसाइड होगा, तो उम्मीद है कि जल्द ही एग्जामिनेशन का डिसाइड होने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपका ओपन हो जाएगा। तो लेकिन अभी पोस्टपोन होने के चांसेस है, इसलिए इग्नू भी डिले कर रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो आप हमारे चैनल AIS एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नू से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।